Radhe Radhe, and I welcome you all in this video. In the previous lecture, we discussed about the parametric test that what are parametric tests and how to apply them. Okay, and in this lecture, we are going to discuss about the non-parametric test. Okay, so non-parametric test, as we discussed earlier, are the test which doesn't, which don't include any parameter. Okay, so after the completion of this video, you will be able to understand.

सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है ठीक है तो ये हमें काई स्क्वायर टेस्ट बताएगा तो काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए जो हमारा डाटा है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए सो क्वालिटेटिव डाटा के लिए हमारा काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया जाता है सो काई स्क्वायर को डिनोट करने के लिए सिंबल जो है वो एक्स की शेप का होता है जैसे हम एक्स को लिखते हैं वैसे ही काई स्क्वायर लिखा जाता है तो काई स्क्वायर टेस्ट इज अ स्टेटिस्टिकल पोत्सिस टेस्ट दैट इज वेल टू परफॉर्म वेन टेस्ट स्टेटिस्टिक स्क्र डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द नल हैपोसिस स्पेसिफिकली पियर्सन स्काई स्क्ट एंड वेरियंट ऑफ देयर ऑफ पियरसन स्काई स्क्र टेस्ट पियर्सन ने इसको दिया था तो इसलिए हम पियरसन स्काई स्क्र टेस्ट इसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन ने इसको दिया था तो का पियर्सन टेस्ट इज यूज टू डिटर्मिन वेदर देयर आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व ऑब्जर्व मीन्स जो हम डाटा में ट्रू वैल्यूज लेकर आ रहे हैं ट्रू वैल्यूज जो हमने डाटा के लिए नोट की हैं वो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होंगी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए थी तो वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज होंगी एंड वन और मोर कैटेगरीज ऑफ अ कंटिजेंसी टेबल तो कैटेगरीज में हमने उसको लेना है ठीक है कंटिजेंसी टेबल हमारा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज बनी होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें अपना का देखना है ठीक है तो कैटेगरीज हैं तो इसलिए हम इसको कैटेगरिकल डाटा में यूज करते हैं या फिर क्वालिटेटिव डाटा हो या कैटेगरिकल एक ही बात है ठीक है तो कैटेगरीज अगर हम बना लेते हैं किसी डाटा में तो वो क्वालिटेटिव डाटा में आता है तो एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करते हैं सपोज देर इज अ सिटी ऑफ टेन लैक रेजिडेंट विद फोर नेबरहुड्स अब यहाँ पे आपको फोर नेबरहुड्स दे रखे हैं ए बी सी डी रैंडम सैम्पल दिया हुआ है सिक्स फिफ्टी रेजिडेंट का ऑफ द सिटी इज टेकन एंड देयर ऑक्यूपेशन इज रिकॉर्डेड एज वाइट कॉलर ब्लू कॉलर और नो कॉलर ओके तीन आपको ऑक्युपेशन के लिए कैटेगरीज बना दी तीन ठीक है नल हाईपोस ने लिया है कि पर्सन नेबरहुड ऑफ रेजिडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सन ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन ठीक है तो ये ये बताना चाहता है ये डिस्कस uh, करना चाहता है ये चेक करना चाहता है कि क्वालिफिकेशन और रेजिडेंस में ऑक्यूपेशन uh, और रेजिडेंस में कोई डिफरेंस आता है या नहीं ठीक है तो ये नल हाइपोथेसिस है कि पर्सन के नेबरहुड की ठीक है जहाँ पर्सन रह रहा है उसके नेबरहुड की रेजिडेंस और उसके ऑक्यूपेशन में कितना इफेक्ट है मतलब ये दोनों आपस में कितने रिलेटेड है उसका कोई इफेक्ट उसके ऑक्यूपेशन पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ठीक है तो उसके हिसाब से उसने डाटा दिया आपको ए बी सी डी फोर रेजिडेंट्स दिए हुए हैं और वाइट कॉलर ब्लू कॉलर और नो कॉलर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट ब्लू no, और नो और यहाँ पे ए बी सी डी चार रेजिडेंट है ठीक है वाइट कॉलर में जो ए सिटी में रहते हैं और वाइट कॉलर में है वो 90 परसेंट है बी सिटी में वाइट कॉलर इतने हैं सी में वाइट कॉलर इतने हैं ठीक है डी में वाइट कॉलर इतने हैं और ये टोटल वाइट कॉलर आए हैं हमारे पास थ्री फोर्टी नाइन ठीक है ब्लू कॉलर जब हम देखेंगे तो थर्टी फिफ्टी फिफ्टी वन और ट्वेंटी और टोटल इनका सम यहाँ पे दे रखा है ठीक है जब आप ऐसे करोगे तो सम आपका ये मिलेगा और जब ऐसे हॉरिजॉन्टली चलोगे तो आपको सम ये मिलेगा जब वर्टिकली चलोगे तो सम आपका वन फिफ्टी की मिलना और ये जो सिक्स फिफ्टी आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ से बनेगा आपका हॉरिजॉन्टली को प्लस करो और वर्टिकल सबको प्लस करो तो ये आपका सिक्स फिफ्टी देगा क्योंकि हमने सैम्पल कितने का लिया सिक्स फिफ्टी का ठीक है तो नेक्स्ट क्या कहता है ये हमें चेक करना है कि इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है ठीक है तो सबसे पहले तो तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे लेट अस टेक द सैंपल लिविंग इन नेबरहुड ए 150 टू एस्टिमेट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द होल लिव इन नेबरहुड ए ओके सिमिलरली वी टेक 349 आउट ऑफ 650 टू एस्टिमेट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ 10 लाख आर वाइट कॉलरस क्योंकि हमारे पास क्या था यहाँ पे यहाँ पे जब आप देखोगे वाइट कॉलर की प्रोपोर्शन कितनी होगी वाइट कॉलर में है कितने थ्री फोर्टी नाइन आउट ऑफ सिक्स फिफ्टी तो वही ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रोपोर्शन अगर हम लेके चलें तो वो कितना होगा थ्री फोर्टी नाइन आउट ऑफ सिक्स फिफ्टी ठीक है आर वाइट कॉलर्स बाय अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर द हाइपोथेसिस वी शुड एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ वाइट कॉलर इन नेबरहुड ए तो एक्सपेक्टेड ये तो है हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये हमारी क्या है प्रोपोर्शन आया है ठीक है ये हमारा कितना आया प्रोपोर्शन कि इतना प्रोपोर्शन हमारा वाइट कॉलर में है ठीक है अब हमें निकालना क्या है कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या होगी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जब किसी सेल की निकालते हैं तो वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी में क्या होता है हमारे पास जो भी हम वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं जैसे हमें नाइन्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालनी है नाइन्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालनी है तो नाइन्टी के सामने वाला टोटल और नाइन्टी के वर्टिकल टोटल और हॉर्जोंटल टोटल कितना आया थ्री फोर्टी नाइन और वन फिफ्टी ठीक है तो हमें ये तीन फ्रिक्वेंसीज चाहिए एक तो टोटल कितना है हमारे पास एक हमारे पास हॉरिजोंटल टोटल वर्टिकल टोटल और जो हमारा टोटल सैम्पल्स है ठीक है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय सिक्स फिफ्टी तो थ्री फोर्टी नाइन इंटू वन फिफ्टी अपॉन में सिक्स फिफ्टी ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी नाइनटी के कॉरेस्पॉन्डिंग ठीक है तो नाइन्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे निकालनी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बाय में टोटल ठीक है तो ये आपकी नाइनटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएंगी ऐसे ही आपने जितने भी जितने रो कॉलम का आपका टेबल होगा जितना भी आपका कॉन्टिजेंसी टेबल का ऑर्डर होगा हर एक फ्रिक्वेंसी की उतनी उतनी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है आप जैसे यहाँ पे मैंने नाइन्टी की निकाल के दिखाई है आपको सिक्सटी की भी निकालनी है सिक्सटी की भी निकालनी है वन ज़ीरो फोर की भी निकालनी है नाइन्टी फाइव की भी थर्टी की भी ये सारी जो भी फ्रिक्वेंसीज आपको दिख रही हैं सभी का आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है ठीक है नाइन्टी की मैंने निकाल के दिखाई है आपको सभी की निकालनी है तो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी तो आपको हर एक सेल की अलग अलग फ्रिक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है ठीक है उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद आपको का स्क्वायेयर कैलकुलेट करना है ठीक है फर्स्ट जो नाइन्टी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आया है वो हमारे पास एट्टी पॉइंट फाइव फाइव आया है ठीक है तो जब आप का काईस्क्वायेयर कैलकुलेट करोगे ध्यान रखना है ये जो हमने निकाला है ये का स्क्वायेयर की वैल्यू नहीं है ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है ठीक है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी और जब आपने काई स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ठीक है तो काई स्क्वायर क्या होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द दिस वैल्यूज ठीक है काई स्क्वायर जो है वो इसका सम होगा ठीक है ये सिंपली हम ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर बाय में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के हर एक की जब आप निकालोगे तो अलग अलग आएगी तो उन सबका सम करना है ठीक है तो यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू नाइन्टी के लिए निकाल रहे हैं हम तो ऑब्जर्व वैल्यू हमने ली नाइन्टी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी एट्टी थी एट्टी पॉइंट समथिंग तो ये ली और इसका स्क्वायर माइनस करके इसका स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू ठीक है तो इसकी वैल्यू आपके पास वन पॉइंट वन वन समथिंग आएगी तो ये आपकी ठीक है फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आई ऐसे ही आपने जो बाकी आपका ये जो सिक्सटी वन जीरो फोर नाइन्टी फाइव इसके कारस्पॉन्डिंग हर एक वैल्यू आएगी जैसे इसके पॉइंट इसके कारस्पॉन्डिंग वन पॉइंट वन वन आई सपोज सिक्सटी के लिए टू पॉइंट समथिंग आ गया इसके लिए वन पॉइंट फोर आ गया ऐसे कोई भी वैल्यूज़ आएंगी आपके हर एक के लिए तो इन सबको प्लस करना है अपने एंड में ठीक है जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी इन सबको प्लस करना है आपको ठीक है इन सबको प्लस करने के बाद आपका काई स्क्वायर वेरिएबल निकलेगा ठीक है इन सब को प्लस करने के बाद आपका काई स्क्वायर वैल्यू निकलेगी ठीक है सो यहाँ पे यही कहता है द सम ऑफ दिज ओवर ऑल ऑफ ऑल द सेल्स इज द टेस्ट टेस्टिस्टिक इन दिस केस जब आप प्लस करोगे तो ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स आएगा आपके पास वैल्यू जब सबको प्लस करोगे आप ठीक है तो जब ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स आएगा तो हमें एक स्क्वायर को रिजेक्ट और एक्सेप्ट भी करना है क्योंकि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो यही तो करते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना ठीक है नल हाइपोस को तो अंडर द नल हाइपोस दिस सम हैज approximately का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हुज़ नंबर ऑफ़ डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम अब बात आती है डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम की डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम का कंसेप्ट हमने किया था कि क्या होता है डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ रोज़ माइनस वन और नंबर ऑफ़ कॉलम्स माइनस वन ठीक है तो ये इनको मल्टीप्लाई करना है हमको तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स निकल के आएँगे अब यहाँ पर रोज और कॉलम्स कैसे पता चलेंगी जब आप यहाँ पे देखोगे ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है कितनी रोज़ हैं यहाँ पे वन टू थ्री थ्री रोज़ हैं कॉलम कितने हैं वन टू थ्री और फोर तो फोर कॉलम है ठीक है so, column, तो थ्री रोज़ और फोर कॉलम तो ये हो गया थ्री क्रॉस फोर की मैट्रिक्स थ्री क्रॉस फोर का कॉन्टेंजेंसी टेबल ठीक है थ्री क्रॉस फोर तो थ्री नंबर ऑफ रोज़ हैं कॉलम है फोर तो थ्री में से वन माइनस करना है फोर में से वन माइनस करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है टू मल्टीप्लाई थ्री मतलब सिक्स हो गया तो सिक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको मिलेंगी ठीक है सिक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चलिए सिक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया अब आपको काई स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी है टेबुलेटेड वैल्यू ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स ये जो आई है ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है ठीक है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ठीक है टैबलेटेड वैल्यू चेक करनी है आपको काई स्क्वेयर एट सिक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ठीक है सिक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे टैबलेटेड वैल्यू आप चेक करोगे चेक करने के बाद अगर इफ द टेस्ट स्टेटस्टिक्स इज इमप्रॉबेबली लार्ज अकॉर्डिंग टू दैट का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन दैन वन रिजेक्ट्स द नल ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आपकी टेस्ट स्टेटस्टिक की वैल्यू जो है वो लार्ज आती है काई स्क्वायर से टैबलेटेड से तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे नल को अदरवाइज हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है तो ये हमारा स्क्वायर टेस्ट था इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है नेक्स्ट इज फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट एग्जैक्ट इसको क्यों कहा क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको एस्टिमेट वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू की बजाय आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है ठीक है तो ये वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेशन के बजाय आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा तो इसलिए इसको एग्जैक्ट टेस्ट कहा है फिशर्स ने ये दिया था तो इसलिए फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट हुआ तो फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट इज अ अस्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट यूज इन द एनालिसिस ऑफ कंटिजेंसी टेबल्स अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्योंकि हम ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ रहे हैं तो अभी तक जितने भी हमने टेस्ट किए हैं उसमें सिग्मा पैरामीटर्स uh, इंक्लूड नहीं हुए ठीक है ऑल दो इन प्रैक्टिस इट इज़ एम्प्लॉयड वेन सैम्पल साइजेज आर स्मॉल इट इज़ वैलिड फॉर ऑल सैंपल साइज ये हम कहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा सैंपल साइज़ जो है वो स्मॉल हो मतलब ज़्यादातर हम स्मॉल सैंपल साइज के लिए इसको यूज़ करते हैं बट ऐसा नहीं है कि लार्ज सैंपल के लिए ये यूज़ नहीं किया जा सकता हर एक सैंपल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं बट जनरली स्मॉल सैंपल्स के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि स्मॉल सैंपल में एग्जैक्टनेस ज़्यादा आती है ठीक है तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हम स्मॉल सैम्पल ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक है इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर रोनाल्ड फिशर एंड इज़ वन ऑफ द क्लास ऑफ एग्जैक्ट टेस्ट सो कॉल्ड बिकॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेविएशन सिग्निफिकेंस ऑफ डेविएशन फ्रॉम नल हैपोथस कैन बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली तो एग्जैक्ट टेस्ट क्यों का है क्योंकि जब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं इसकी नल हैपोथस से तो वो जो है वो एग्जैक्टली exactly कैलकुलेट होती है

टू क्रॉस टू का है जैसे ये तो ए बी सी डी आपको वैल्यूज दिख रही हैं और जो ये रो टोटल और ये जो कॉलम टोटल है इसको हम मार्जिनल टोटल्स बोलते हैं ठीक है ए प्लस बी ये रो वाइज कैलकुलेट हो रहा है तो ए प्लस बी सी प्लस डी ठीक है ये कॉलम वाइज कैलकुलेट हो रहा है तो ए प्लस सी और बी प्लस डी ठीक है तो इस हिसाब से ये टेबल रहेगा और जो हमारा फाइनल टोटल है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रहेगा वो एन जितना हम सैम्पल साइज ले रहे हैं ग्रैंड टोटल ये हमारा एन रहेगा ठीक है तो इसको निकालना कैसे है सबसे पहले तो हम इसमें पी वैल्यू निकालते हैं पी क्या आती है हमारी ठीक है तो फिशर शोड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टेनिंग एनी सच एनी सच सेट ऑफ वैल्यूज वाज़ गिवन बाय द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी मतलब पी वैल्यू निकालेंगे जब हम तो वो क्या होगा जब हम ए जब आप मार्जिनल टोटल में से एक सेल को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू निकालोगे अब जैसे इस सेल में से मार्जिनल टोटल क्या है हमारा ए प्लस बी तो इस ए प्लस बी में से आप ए वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी सी ए कॉम्बिनेशन हम लगा रहे हैं जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में किया था कि क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल रही है तो ए प्लस बी में से हम ए वैल्यूज निकाल रहे हैं ठीक है इनटू ऐसे ही सी प्लस डी में से हम सी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन गया और टोटल क्या हो जाएगा क्योंकि ये टोटल है एन ठीक है इन सब का टोटल अपॉन में ये जो आपको ऊपर वाले दिख रहे हैं और जो जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दिख रहे हैं आपको इनका टोटल हो जाएगा ए प्लस सी प्रॉबिलिटी ये निकल के आएगी जब आप ए और सी की वैल्यू निकालोगे जब आप बी और डी निकालोगे तो वो भी इसके इक्वल ही होगी क्योंकि ये रैंडमली सिलेक्ट किया है तो ये वैल्यूज़ इक्वल होंगी जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ए प्लस बी में से ए वैल्यूज निकालो ए सी प्लस डी में से सी वैल्यूज इज इक्वल टू ए प्लस बी सी बी बी वैल्यूज और सी प्लस डी में से डी वैल्यूज और नीचे वाले भी ए प्लस डी और बी प्लस डी हो जाएंगे ए प्लस सी और बी प्लस डी तो इसको जब आप ओपन करोगे फैक्टोरियल्स में तो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है कैसे ओपन होगा एन सी आर है क्योंकि ये तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस बी फैक्टोरियल ठीक है एन सी आर क्योंकि कैसे ओपन होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इस तरीके से ओपन होगा तो ये हमने वैल्यूज उस फॉर्मूला में डाल दी और जब सी प्लस डी को ओपन करोगे तो वो क्या आएगा सी प्लस डी फैक्टोरियल क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी फैक्टोरियल और साथ में डी फैक्टोरियल ये हमने इसको ओपन किया ठीक है तो ये आपकी वैल्यूज़ में नहीं अब हम देखते हैं कि इसको ओपन करने से ये वैल्यू बनती है तो ये जब इसको आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा ए प्लस बी फैक्टोरियल अपॉन बी फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस जब आप डिफरेंस करोगे तो आपको मिलेगा ए फैक्टोरियल ठीक है ऐसे ही सी प्लस डी को करोगे तो सी प्लस डी फैक्टोरियल डी फैक्टोरियल और इन दोनों को माइनस करोगे तो सी प्लस डी माइनस डी कितना बचेगा सी फैक्टोरियल तो देखिए यही चीज़ आई है दोनों तो ये दोनों इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है वैल्यूज इक्वल है चाहे आप ए प्लस बी में से ए उठाओ चाहे आप ए प्लस बी में से बी वैल्यूज उठाओ तो वो दोनों इक्वल आएंगे ठीक है और एन सी ए प्लस सी ये भी इक्वल होगा ठीक है नीचे वाला अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन ए प्लस सी फैक्टोरियल और एन में से ए माइ ए प्लस सी आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा बी प्लस डी फैक्टोरियल ठीक है तो इसमें से कुछ कैंसल आउट भी होगा तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास यही वैल्यूज आ जाएंगी जो आपको मिली हैं ऊपर ठीक है तो ये चीज़ वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास

वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ पी फॉर बोथ दिस टेबल्स एंड एड दम टुगेदर हमें जो पी की वैल्यूज जब हम निकालेंगे सारी के लिए कैलकुलेट करनी है और हमें उन सबको एड कर देना है अब जो पी वैल्यू निकल के आई है वो जितनी स्मॉल होगी उतना ज्यादा हमें एविडेंस मिलेगा कि हम नल हाइपोसिस को रिजेक्ट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या है हमारे पास पी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो स्मॉल होनी चाहिए जितनी ज्यादा स्मॉल होगी उतना ग्रेटर एविडेंस होगा रिजेक्टिंग द नल हाइपोचे स्मॉलर द पी वैल्यू द ग्रेटर द एविडेंस फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोर्टेस सो हेयर द एविडेंस इज स्ट्रांग दैट मैन एंड वुमेन आर नॉट लाइकली टू बी स्टडियर्स तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपको वैल्यूज पता होती तो नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आ जाता है मैक्नेमा टेस्ट ठीक है इस टेस्ट को हम नॉमिनल डाटा पे भी यूज़ कर सकते हैं नॉमिनल मतलब जब हम कैटेगरी वाइज किसी, उसको, किसी को किसी डाटा को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहे हैं ठीक है टू क्रॉस टू कंटिजेंसी टेबल्स पे अप्लाइड होता अप्लाई किया जाता है ये और डायकोटमस ट्रेट होना चाहिए हमारे पास डाइकोटमस ट्रेट पे मतलब टू ट्रेड्स होनी चाहिए या टू कैटेगरीज या टू टू क्वालिटेटिव क्वालिटीज होनी चाहिए ठीक है विथ विद मैच पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट टू डिटर्मिन वेदर द रो और कॉलम मार्जिनल फ्रिक्वेंसीज आर इक्वल ठीक है तो मैगने मार्स रेस्ट टू क्रॉस टू कॉन्टिंजेंसी टेबल पे अप्लाई किया जाता है दो ट्रेड्स होनी चाहिए इसके लिए और रो और कॉलम में हम चेक करेंगे कि मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज इक्वल हैं या नहीं है ठीक है तो इस टेस्ट में जो कॉमनली यूज पैरामीटर्स होंगे हमारे पास वो हो क्या होंगे द कॉमनली यूज पैरामीटर्स टू असिस्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मेडिकल साइंसेज आर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिकिटी ठीक है तो ये वो वाले पैरामीटर्स नहीं है जो हम कह रहे थे पैरामीट्रिक टेस्ट वाले ये सिंपली सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हैं जो हम यूज़ करते हैं जो हमें चेक करना है टेस्ट में सेंसिटिविटी क्या है एक ऐसी एबिलिटी जो किसी टेस्ट से ये पता करे करेक्टली आइडेंटिफाई करे कि कितने पीपल जो हैं वो उनको वो डिजीज़ है कोई भी डिजीज़ की जब हम चेकिंग कर रहे हैं तो कितने पीपल ऐसे हैं जो उस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं ठीक है और स्पेसिफिसिटी ऐसी एबिलिटी है जो हमें वो पर्सन दें जो जिनको वो डिजीज़ नहीं है ठीक है तो सेंसिटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई द पीपल विद डिजीज एंड स्पेसिफिसिटी इज़ द एबिलिटी टू टेस्ट करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विदउट द डिजीज ठीक है अब अगर हमने एक ग्रुप लिया है तो अब हमने एक ग्रुप लिया सेम ग्रुप लिया पेशेंट्स का ठीक है हम उस पर चेक करना चाहते हैं और उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी भी सेम है मतलब नंबर ऑफ पीपल विद डिजीज और नंबर ऑफ पीपल विदाउट डिजीज जो है वो सेम है ठीक है तो ये कंडीशन है हमारे पास कि सेम ग्रुप के पेशेंट्स लिए हमने और सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी भी सेम है अब इस केस में अगर हम कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमें uh, क्या पता चलेगा कि दोनों इक्विवेलेंट हैं क्योंकि जब सेंसिटिविटी नंबर ऑफ पेशेंट्स विद डिजीज़ और विदाउट डिजीज़ जब सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब टेस्ट भी इक्विवेलेंट होगा बट कई बार uh, ये केस जो है वो फेल हो जाता है ठीक है कुछ रीजन की वजह से कई रीज़न ऐसे होते हैं जो इस टेस्ट को फेल कर देते हैं ठीक है इस रीज़न को फेल कर देते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं विद पेशेंट्स विदाउट डिजीज़ और विद डिज़ीज़ को हमें दोबारा से चेक करना पड़ता है और वो टेस्ट जो है वो मैकनेमार्स टेस्ट का बेसिस बन जाता है कि मैकनेमार्स में हम क्या करते हैं ठीक है मैक्नेमार्स में हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को कंपेयर करेंगे उसी ग्रुप के जो हम ग्रुप ले रहे हैं उस ग्रुप के पेशेंट्स में सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को कंपेयर करेंगे तो ये हमारा मेन इसका मोटिव होता है मैक्नेमार्स टेस्ट का ठीक तो है तो एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करते हैं इसको एग्जाम्पल में ये कहता है टू क्रॉस टू टेबल दिया हुआ हमें विच टेबलेट द आउटकम ऑफ टू टेस्ट ऑन अ सैम्पल ऑफ एन सब्जेक्ट्स एन सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास मतलब एन टोटल पेशेंट्स हैं और यहाँ पर हमने टू टेस्ट किए टेस्ट वन जो है वो पॉजिटिव आया इतने बंदों का टेस्ट वन जो है वो नेगेटिव आया इतने पेशेंट्स का टेस्ट टू जो है वो पॉजिटिव आया इतने पेशेंट्स का टेस्ट टू जो है वो नेगेटिव आया इतने पेशेंट्स का ठीक है तो ये जो फर्स्ट ए दिखा रहा है ए क्या शो करेगा आपको टेस्ट वन इसका पॉजिटिव है और टेस्ट टू भी इसका पॉजिटिव है ठीक है बी जो है वो positive है, क्या दिखाएगा टेस्ट वन पॉजिटिव है लेकिन टेस्ट टू जो है वो नेगेटिव आया ठीक है सी क्या दिखाएगा टेस्ट वन नेगेटिव और टेस्ट टू जो है वो पॉजिटिव आया और डी आपको क्या दिखाएगा टेस्ट वन जो है वो नेगेटिव और टेस्ट टू भी नेगेटिव इसके दोनों टेस्ट नेगेटिव आए ठीक है रो टोटल आपको पता चल गया ए प्लस बी और इधर से सी प्लस डी और इधर से ए प्लस सी बी प्लस डी और ये टोटल एन हो जाएगा ठीक है तो नल हाइपोथेसिस जब हमने चेक करना है तो नल है ऑफ मार्जिनल होमोजीनिटी मार्जिनल होमोजीनियस दिखाना है मतलब कि हमारा मार्जिनल टोटल जो है वो होमोजीनियस है मतलब सेम है स्टेट क्या स्टेट करेगा दैट द टू मार्जिनल प्रॉबलिटीज फॉर ईच आउटकम्स आर द सेम क्योंकि जब हमें जब हमें टोटल सेम दिखाना है तो उसके जो हमारे सेल फ्रिक्वेंसीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए उनकी प्रॉबलिटीज भी सेम होनी चाहिए तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास जब हम इसमें देखेंगे मार्जिनल इक्वल दिखाना है ए प्लस बी और ए प्लस सी इक्वल होना चाहिए तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ठीक है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी जब हम जब हमने ए प्लस बी और ए प्लस सी को इक्वल दिखाना है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दोनों और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये दोनों इक्वल होने चाहिए जब हमारा मार्जिनल टोटल की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इनकी अलग अलग भी इक्वल होनी चाहिए ऐसे ही जब हम सी प्लस डी और बी प्लस डी की बात करते हैं तो यहाँ से क्या आप मिलना चाहिए हमको कि सी प्लस डी प्रॉबलिटी ऑफ सी प्लस प्रॉबलिटी ऑफ डी प्लस इज इक्वल टू प्रॉबलिटी ऑफ बी प्लस प्रॉबलिटी ऑफ डी तो यहां से ये दोनों इक्वल आने चाहिए तो वही केस ये कहता है कि अगर हम माजरल टोटल इक्वल दिखा रहे हैं तो सेल्फ फ्रिक्वेंसीज भी इक्वल होनी चाहिए तो जब हम इस यहाँ पे नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा एच नॉट एच नॉट सच दैट पी ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और एच वन सच दैट प्रॉबलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहाँ पे नॉट इक्वल है एच वन क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ठीक है तो बी और सी को ही क्यों लिया हमने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों को इक्वल करने के लिए ए और ए तो सेम आ रहा है लेकिन बी और सी में डिफरेंस है अगर बी और सी सेम होए तभी ये इक्वल होंगे तो इसलिए हमने नल हाइपोथेसिस बी इज इक्वल टू सी लिया है इधर इस वाले केस में भी डी यहाँ पे भी है डी यहाँ पे भी है दोनों तो इक्वल ही होंगे वैल्यूज़ सी और बी को चेक करना है हमें तो इसलिए हम न, नल हाइपोथिस में बी और सी वैल्यूज रखी हैं और जो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है मैक्नेमार्स का वो भी बी और सी पे ही कैलकुलेट होगा तो हेयर पी ए एक्सेट्रा डिनोट द थ्योरटिकल प्रोबेबिलिटीज ऑफ पी ए पी बी पी सी ये सारे जो वैल्यूज हैं ये क्या थ्योरटिकल the प्रोबेबिलिटीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन द सेल्स द मैकनेमार्स टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या बनेगा का स्क्वायर से इसको भी का स्क्वायर से डिनोट करेंगे का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ये वैल्यू ये फॉर्मुलाइज इसका बनेगा ठीक है टेस्ट हम इस तरीके से निकाल लेंगे ठीक है इसकी वैल्यू हमें चेकआउट करनी है तो इफ द का स्क्वायर रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट अब यहाँ पे जो का स्क्वायर है वो सिग्निफिकेंट आ गया दिस प्रूव दैट सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट पी बी नॉट इक्वल टू पी सी विच वुड मीन दैट मार्जिनल प्रोपोर्शन आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ठीक है तो कई स्क्वायर की वैल्यू हमें चेक करनी है टेबल से कैलकुलेटेड और टेबलेटेड में डिफरेंस देखना है कितना है और अगर वो लेस है तो हम वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे ठीक है नेक्स्ट इज विलकॉक्सन टेस्ट नेक्स्ट इज विलकॉक्सन साइंड विलकॉक्सन टेस्ट विलकाक्सन साइंड रैंक टेस्ट जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा है साइन रैंक साइंड रैंक का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें रैंकिंग करनी है सबसे पहले तो ठीक तो है तो विलकाक्सन साइन टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है इट इज़ यूज टू कंपेयर टू रिलेटेड सैंपल्स दो सैम्पल्स अगर आप इसमें रिलेटेड हैं तो उसको चेक uh, करने के लिए उसको कंपेयर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं ठीक है मैच्ड सैंपल्स हों रिपीट मेजरमेंट्स होने सिंगल सैंपल हो ठीक है वैदर देयर वैदर देअर पॉपुलेशन मीन रैंक्स डिफर ठीक है तो इन केसेस को स्टडी करने के लिए विल्कॉक्सन टेस्ट हमारा यूज होता है ठीक है इट कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू द देयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट ठीक है जब हम पेयर्ड टेस्ट यूज करते हैं स्टूडेंट टेस्ट जो हमने किया था पेयर्ड टी टेस्ट पेयर टी टेस्ट के अल्टरनेटिव में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पेयर टी टेस्ट में और इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है ऑल्सो नोन एज टी टेस्ट फॉर मैस्ड पेयर्स और टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल्स ठीक है डिपेंडेंट टेस्ट हमने किया था डिपेंडेंट टी टेस्ट तो उसकी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन एक कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों सैंपल्स की कैन नॉट बी एज्यूम टू भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज होता है और टी टेस्ट क्या था पैरामेट्रिक टेस्ट और विलकॉक्सन क्या है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तो जब हम उसकी अजम्पन हटा देंगे कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो डाटा है हमारा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तब ये वाला टेस्ट हम उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं सो विलकॉक्सन साइंटिस्ट इज़ ए नॉ पैरामेट्रिक टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिटर्मन वेदर टू डिपेंडेंट सैंपल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो ये यही चेक करता है कि दो सैम्पल्स जो हमने उठाए हैं वो सेम पॉपुलेशन में से उठाए हैं जिनकी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये चेक करने में हेल्पफुल है ठीक है इसका प्रोसीजर क्या रहेगा सबसे पहले तो हमें कैपिटल एन चाहिए मतलब जो हमारा सैम्पल साइज है नंबर ऑफ पेयर्स जो हम ले रहे हैं ठीक है तो नंबर ऑफ पेयर्स ले रहे हैं अब ध्यान रखना नंबर ऑफ पेयर्स तो मतलब दो सैंपल्स होंगे एक्स वन वन एक्स वन टू इस तरीके से पेयर बनेगा यहाँ पे ठीक है तो पेयर बनेगा तो पॉइंट्स कितने होंगे क्योंकि दो एक पेयर में दो पॉइंट्स हैं तो एन पेयर्स में कितने होंगे टू एन पॉइंट्स अब जैसे हमारे पास सपोज एक पेयर में दो पॉइंट्स हैं और पांच ऐसे पेयर्स हैं ठीक है पांच पेयर्स हैं एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव और हर एक में दो दो पेयर्स हैं तो वो कितने पॉइंट्स पौ, हो गए टेन तो फाइव इन टू 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 एन पॉइंट्स हो गए ठीक है तो एन सैम्पल साइज होगा टू एन उसमें पॉइंट्स होंगे ठीक है फॉर पेयर्स आई इज इक्वल टू वन टू एन लेट एक्स वन आई एंड एक्स टू आई डिनोट द मेजरमेंट क्योंकि टू ही सैम्पल्स होंगे तो वन 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 टू वन थ्री वन फोर अप टू वन एन टू वन टू 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 थ्री टू फोर अप टू टू एन तो इस तरीके से दो पेयर्स आपके मिल जाएंगे एच नॉट एच वन डिस्क्राइब करना सबसे पहले एच वन क्या हो जाएगा एच नॉट क्या हो जाएगा देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द पेयर्स फॉलो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड जीरो ठीक है तो इसका मतलब नो डिफरेंस ठीक है डिफरेंस बिटवीन पेयर डज नॉट फॉलो सिमेट्रिक ठीक है तो एच नॉट में क्या हो जाएगा फॉलो सिमेट्री और एच वन क्या हो जाएगा डजेंट फॉलो सिमेट्री तो सिमेट्री है इसका मतलब नो no डिफरेंस है क्योंकि जैसा सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि जैसा एक्सिस के साइड पर लेफ्ट साइड पे वैसा ही राइट right साइड पे तो सिमेट्री है तो इसका मतलब डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी तो नो no डिफरेंस हो गया ठीक है और जब एच वन ले रहे हैं डजन फॉलो सिमेट्री तो इसका मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं वो ठीक है तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे एच नॉट और एच वन को डिफाइन कर दिया तो इसके बाद हमें क्या करना है फॉर आई गोज फ्रॉम वन टू एन कैलकुलेट करना है हमको एक्स टू आई माइनस एक्स वन आई का मॉड्यूलस वैल्यू एंड एस जी एन एक्स टू माइनस आई सॉरी एक्स टू आई माइनस एक्स वन आई वेर एस जी एन इज द साइन फंक्शन तो नाम इसको आपने देखा था विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट तो इसमें दो चीजें यूज करनी है साइन और रैंक ठीक है तो दो चीजें यूज करनी है साइन और रैंक तो so, हमने रैंक तो कर दिया सॉरी अभी हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले साइन हमने कैलकुलेट करना इन दोनों का डिफरेंस एक्स टू आई माइनस एक्स वन आई का और साथ में इसका साइन साइन किस का पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ठीक है एक्सक्लूड पेयर्स विद एक्स जिसका डिफरेंस इक्वल टू जीरो है उसको एक्सक्लूड कर देंगे ठीक है तो एनआर बी द रिड्यूस्ड सैंपल साइज तो हमारे पास पहले एन सैंपल थे अब हमारे पास क्योंकि जिसका डिफरेंस कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जिनका डिफरेंस बीच बीच में जीरो आए तो वो वाले पॉइंट्स हम एक्सक्लूड कर देंगे ठीक है ऑर्डर द रिमेनिंग एंड आर पेयर्स फ्राम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस टू लार्जेस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस तो अब हमें ऑर्डरिंग करनी है उसकी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में मतलब जिसका रैंक ज़ीरो है उसको टॉप पे रख देंगे जिसका रैंक वन है फिर टू मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना है Rank rank the 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 pair pair starting with the pair, with the smallest non-zero absolute uh, difference, such as one. Ties receive a rank equal to average of the rank they span. Okay. अब कई बार क्या होता है कि टाई भी हो जाती है कि uh, जिनका डिफरेंस सेम आ जाए कई वैल्यूज ऐसी हैं जिनका डिफरेंस सेम आ जाएगा तो उसमें हमने एवरेज रैंक यूज करनी है उसकी ठीक है तो calculate the, the statistic W द सम ऑफ साइंड रैंक्स W को कैलकुलेट करके कुछ नहीं करना बस उसके बाद उसको टैबलेटेड वैल्यू से कंपेयर करना ठीक है एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं इस एग्जाम्पल में आपको ये वैल्यू दो टेबल्स दिख रहे हैं फर्स्ट टेबल में डाटा बता रखा है इसने कि ये डाटा है टेन पॉइंट्स टेन सैम्पल्स हैं टेन सैम्पल के दो दो पॉइंट्स हैं टू वन ठीक है वन आई टू आई और वन आई ठीक है तो टेन पॉइंट्स हो गए टेन प्लस टेन कितना होगा गया ट्वेंटी पॉइंट्स हो गए हमारे पास टू आई के लिए वैल्यूज दे रखे और वन आई के लिए वैल्यूज दे रखे मतलब ये टू वन है ये टू टू है ये टू थ्री है टू फोर है टू फाइव है इस तरीके से ऐसे ये वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव इस तरीके से वैल्यूज दी हुई हैं ठीक है तो सबसे पहले जो हमने किया कि एक्स टू आई माइनस एक्स वन आई करना है और इसका साइन और एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग लिख लेनी है साइन हमने यहाँ पे लिख लिया दो कॉलम्स बना लिए साइन और इसकी वैल्यू इन दोनों को माइनस करना है कितना बनेगा फिफ्टीन तो ये फिफ्टीन हमने यहाँ लिख दिया और पॉजिटिव बनेगा तो हमने वन डाल दिया इन दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा नेगेटिव में सेवन माइनस सेवन ठीक है तो नेगेटिव अलग रख दिया सेवन इसका अलग रख दिया इन दोनों को माइनस करोगे पॉजिटिव वैल्यू फाइव आएगी तो ये हमने रख दी ठीक है ऐसी साइन साइन की वैल्यूज़ अलग निकालनी है और जो डिफरेंस आएगा उसको अलग रखना है ठीक है सारी वैल्यूज़ इस तरीके से निकल जाएंगी सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद हमें इसको रैंकिंग देनी है रैंक देंगे तो ये वाला आपका कॉलम वही है साइन ये अब इसको हमने अरेंज किया है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ठीक है तो उसके साथ साथ आपकी ये वैल्यूज़ भी चेंज होती रहेंगी जो जो फर्स्ट पे आएगी उसको आप चेंज करके लिखोगे क्या क्या फर्स्ट पे आ रहा है जैसे यहाँ पे ये देखिए ज़ीरो बन रहा है तो ज़ीरो हमने सबसे टॉप पे ले आए वो उसको एक्सक्लूड कर दिया ये तो काउंट ही नहीं होगा ठीक है इसके बाद वन नहीं है किसी की रैंक टू नहीं है सीधा फाइव से स्टार्ट हो रही है ठीक है फाइव से स्टार्ट हो रही है तो फाइव से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे फाइव सेवन नाइन इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया और इसकी ये वाली वैल्यूज भी चेंज होती गई फाइव के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी फाइव के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारी वन थर्टी और वन ट्वेंटी फाइव तो ये लिख दी हमने ठीक है इस फाइव के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी ये थी ठीक है सैम्पल साइज़ के अकॉर्डिंग लिखते गए हम ये वाला भी फाइव था तो ये नाइन्थ नंबर पे था तो इसलिए हमने सेकंड नंबर पे लिख दिया इसको ठीक है तो ये हमारा रैंक था अब हमें इसको रैंकिंग देनी है ये तो हमारा सेंडिंग ऑर्डर uh, में था अब जब हम इसको रैंक देंगे तो हमने कहा था कि जब हमारे पास रैंक्स टाइड हो रहे हैं ठीक है टाई जब हमारे पास हो जैसे फाइव फाइव दो बार अपीयर हो गया तो उसमें क्या देंगे क्योंकि ये रैंक क्या होनी थी इसकी फर्स्ट सेकेंड ठीक है फिर ये थर्ड फिर ये फोर्थ फिर ये फिफ्थ ऐसे हमने रैंक दिया इसको अप टू नाइन ठीक है अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हम जो जो रैंक इस नंबर पे आना था जैसे फर्स्ट और सेकंड पे आना था ये तो वन प्लस टू अपॉन थ्री मतलब इसका एवरेज सॉरी वन प्लस टू अपॉन टू थ्री अपॉन टू कितना हो गया वन पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट फाइव हमने इसको दे दी वन पॉइंट फाइव हमने इसको रैंक दे दिया ठीक है रैंक हो गया और रैंक का साइन अब ये साइन जो आपने लिया है वो इसके साथ रैंक के साथ जोड़ देने हैं क्या साइन था इसका साइन पॉजिटिव था और रैंक कितनी है वन पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट फाइव हो गया ठीक है साइन रैंक विनल कॉक्सन साइंड रैंक तो साइन रैंक है तो साइन रैंक को इकट्ठे ले लेना है आप यहाँ पे इसका साइन और इसकी रैंक इकट्ठे इसका साइन और इसकी रैंक इकट्ठे तो इस तरीके से और इसका टोटल करना है आपको फिर ठीक है जो आपके पास ये वैल्यू आएगी ये कॉलम आएगा इसका टोटल करके आपको लिखना है ठीक है तो टोटल जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी नाइन तो अब नाइन चेक करना है कि ये जो आपका नाइन आया है ये टेबुलेटेड वैल्यू से लेस है कि ग्रेटर है जब आप चेक करोगे टैबुलेटेड वैल्यू से लेस आएगा टेबुलेटेड वैल्यू इसकी थर्टी थ्री बनेगी क्योंकि आपने अल्फा हमारा नाइन आएगा यहाँ पे टू टू साइडेड साइडेड टेल टेल है तो थर्टी थ्री वैल्यू बनेगी तो यहाँ पे हम रिजेक्ट करेंगे नॉट को क्योंकि ये लेस आ रही है डब्ल्यू कैलकुलेटेड इज लेस देन डब्ल्यू टेबुलेटेड तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे अगर कैलकुलेटेड ग्रेटर होती है टेबलेटेड से तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट मैनविटने यू टेस्ट तो इसको हम मैन विटने विलकॉक्सन यू टेस्ट भी बोलते हैं या फिर हम विलकॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी बोलते हैं और विलकॉक्सन मैनविटने टेस्ट भी इसको बोलते हैं ठीक है इसके कई नाम हैं करना क्या है इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ऑफ नल that प्रॉबलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड वैल्यू फ्राम वन पॉपुलेशन इज लेस दैन रैंडमली सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन मतलब हमें चेकिंग क्या करनी है अगर हम दो पॉपुलेशन में से कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ़ सिलेक्टिंग दिस और प्रॉबलिटी ऑफ सिलेक्टिंग दिस इज लेस फर्स्ट पॉपुलेशन और सेकेंड पॉपुलेशन की प्रॉबलिटीज़ जो है इसमें सेलेक्ट करने का कोई सैम्पल और इसमें सेलेक्ट करने का तो वो इससे कम है ठीक है ये चीज़ हमें चेकिंग करनी है ठीक तो तो है, है तो मैन टेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा यू वन क्योंकि दो चीजें निकालनी है हमने यू टेस्ट है तो यू वन और यू टू हमारा न, बेस रहेंगे इसके कि यू वन और यू टू की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो यू uh, मतलब स्टेटिस्टिक रहेगा यू वन और यू टू यू वन क्या होगा हमारे पास एन वन एन टू एन वन इन टू एन वन प्लस वन बाय टू माइनस समिशन आर वन आर वन क्या होगा जो रैंक है हमारे पास ठीक है ऐसे ही यू टू की वैल्यू एन वन फर्स्ट सैंपल एन टू सेकेंड सैंपल सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं तो एन टू एन टू प्लस वन अपॉन टू माइनसू का रैंक ठीक है तो यहाँ पे एन वन क्या है साइज ऑफ सैंपल टू और समेशन आर वन क्या है सम ऑफ सैंपल रैंक वन रैंक और आर टू सम्पल टू रैंक ठीक है अब जैसे यहाँ पे आपको ये टेबल दिख रहा होगा इस एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करते हैं कि क्या कह रहा है दो ग्रुप्स दे रखे हैं हमको ग्रुप वन और ग्रुप टू इस ग्रुप में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं और उस ग्रुप में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं सबसे सब पहले इनको रैंक करना है रैंकिंग देनी है रैंकिंग देनी है तो सबसे छोटे से स्टार्ट होंगे वन फिर इसको टू फिर इसको थ्री इस तरीके से हम इसको वैल्यूज देंगे लार्जेस्ट वैल्यू आएगी इलेवन सिक्सटी एट पर और सॉरी नाइन्टी पे ट्वेल्थ वैल्यू आएगी ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्टी सेवन इधर भी था फिफ्टी सेवन इधर भी था और कौन से नंबर पे आना था ये फिफ्टी सेवन एट्थ नंबर पे एटथ पे और ये नाइन्थ पे ठीक है एट और नाइन्थ पे टाई हो रहा है तो एट प्लस नाइन बाय टू इसको आप कैलकुलेट करोगे सेवनटीन बाय टू करोगे तो एट पॉइंट फाइव बनेगा तो एट पॉइंट फाइव इसको एट पॉइंट फाइव इसको ठीक है तो ऐसे ही आपने इस, इस रैंक का सबिशन कर लेना है जो भी इसके रैंक्स आए हैं उन सबको ऐड कर लेना है ठीक है इन सबको ऐड करके आपको मिलेगा सम ऑफ रैंक्स दो ग्रुप्स थे तो दोनों के अलग अलग रैंक कैलकुलेट करनी है जैसे आपने यहाँ पे करी ग्रुप वन था तो इसकी अलग अलग रैंक कैलकुलेट कर ली ग्रुप टू था तो इसकी अलग अलग रैंक कैलकुलेट कर ली ठीक है नेक्स्ट स्टेप चलते हैं यू वन यू वन हमने फॉर्मूला बताया था कि एन वन एन वन इंटू एन टू और ये फॉर्मूला लगेगा तो एन वन की वैल्यू कितने सैंपल्स थे फर्स्ट उसमें हमारे पास सिक्स सैंपल थे सिक्स सैंपल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ठीक है तो सिक्स सैंपल्स हैं तो सिक्स और इधर भी कितने वैल्यूज हैं सिक्स ठीक है तो सिक्स इंटू सिक्स प्लस सिक्स इंटू सेवन बाई टू माइनस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव जो हमारा सम ऑफ रैंक वन आया ठीक है और इसको एडअप करोगे तो थर्टी पॉइंट फाइव आपको यू वन की वैल्यू मिल जाएगी ऐसे ही हमें यू टू की वैल्यू निकाल लेनी है यू टू की जब हम वैल्यू निकालेंगे एन वन सेम रहेगा एन टू सेम रहेगा ये भी सेम रहेगा आर टू की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइव पॉइंट फाइव आ जाएगा अब इन दोनों में से क्योंकि हमें प्रॉबिलिटी ऑफ स्मॉलर निकालना है ठीक है तो स्मॉल वैल्यूज में से सिलेक्ट करेंगे कौन सी वैल्यू स्मॉल है ठीक है तो स्मॉलर वैल्यू चेक करेंगे वैल्यूएशन जब हम करेंगे दोनों यू में से स्मॉल वैल्यू यू चेक करेंगे फिर उसको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे वैन द कंप्यूटेड वैल्यू इज स्मॉलर दैन द क्रिटिकल वैल्यू देन द आउटकम इज सिग्निफिकेंट इस केस में हम ले रहे हैं यू वन और यू टू को कंपेयर किया छोटी वैल्यू आई यू टू फाइव पॉइंट फाइव ठीक है तो फाइव पॉइंट फाइव को कंपेयर किया टैबुलेटेड से तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं आई ठीक है तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया ठीक है लास्ट टेस्ट है क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट है जो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही है जिसको हम ये चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं ये चेक करने के लिए लगाते हैं जो कि हमारे जो सैंपल्स हैं वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन में से निकले हैं कि नहीं ठीक है इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रुस्कुल वाली एच टेस्ट एच हमारा स्टेटिस्टिक रहेगा तो इसलिए एच टेस्ट इसको बोलते हैं तो स्टेप क्या रहेंगे इसके हमारे पास सबसे पहले एच नॉट और एच वन को कैलकुलेट करना है एच वन एच नॉट और एच वन को स्टेट करना है एच नॉट हमने लिया ऑल पॉपुलेशन हैव सेम मीडियन अब ये मीडियम के लिए यूज होता है ठीक है और एच वन हमने लिया नॉट ऑल मीडियन यील्ड आर इक्वल ठीक है तो टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारा बना एच इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन एन एन माइनस वन समीशन आर आई स्क्वायर अपॉन एन आई माइनस थ्री एन प्लस वन ये हमारा एच का फॉर्मूला रहेगा इस फॉर्मूले में हमें एन सैम्पल साइज निकालना है आर आई जो हमारे रैंक्स हैं वो निकालने हैं और इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज़ ठीक है तो अगर हमारा एच जो है वो ग्रेटर दैन काई स्क्र एट एल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है देन वी रिजेक्ट एच नॉट अदरवाइज वी रिजेक्ट टू वी फेल टू रिजेक्ट इट ओके सो थैंक यू And next, in the le next lecture, we will cover the next unit. Till then, Radhe Radhe.